हूं, भगवान मेरे साथ है। भैया कल हमारे स्कूल में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन है, तो क्रिसमस डे सेलिब्रेशन है तो क्या करें बता। मुझे सेंटा क्लॉस बनना है, तो मुझे सेंटा क्लॉस की ड्रेस दिला के लाओ। अच्छा, वैसे सेंटा वेंटा बनने का ज्ञान तेरे को दिया किसने है? मेरी क्लास टीचर ने कहा था कि सेंटा क्लॉस बन के आना है। तो ऐसा है बहना, तेरी मैडम को कहना कि भैया ने सेंटा क्लॉस बनने से मना कर दिया है। तो फिर मैम मुझे क्लास से बाहर निकाल देगी। ऐसे कैसे बाहर निकाल देगी? हम फीस क्या तेरे को सेंटा बनाने के लिए भरते हैं क्या? चल तेरी मैडम से मिल के आते हैं। हेलो मैम, कल हमारे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन रखा है, तो आप अपने बच्चे को सेंटा क्लॉस बनाकर भेजिएगा और साथ में एक छोटा सा क्रिसमस ट्री भी। या थैंक यू। नमस्ते मैम, जय श्री राम। पर हेलो सर, हाउ इज यू? मैडम मैंने आपको हेलो आए नहीं, जय श्री राम या नमस्ते से संबोधित किया है। हमें भी अच्छा तभी लगेगा जब आप हमें हमारी भाषा में संबोधित करें। नमस्ते नमस्ते, बताइए आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं? मैडम मेरी बहन बता रही थी कि कल आपके स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन है और आपने मेरी बहन को सेंटा क्लॉज बन के आने को कहा है। यस, आपकी बहन को क्या, क्लास के सारे बच्चों को कल सेंटा क्लॉज बनकर आने के लिए कहा गया है। आप लोगों का ये सब करने का कारण जान सकता हूँ मैं मैम? देखिए रीजन कोई खास नहीं है, एज यू नो हमारा स्कूल मॉडर्न है और मॉडर्न स्कूल्स में ये आमतौर पर सेलिब्रेशंस होते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को गॉड और गॉड के सेक्रीफाइस के बारे में पता चले। अच्छा अच्छा मैडम, फिर तो आपके स्कूल में मैम रामनवमी भी मनाई जाती होगी, तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाता होगा, हनुमान जयंती भी मनाई जाती होगी, और तो और महाराणा प्रताप और महाराज शिवाजी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती होगी, क्योंकि वास्तव में इनका बलिदान तो बहुत बड़ा है। और बहन इन्होंने तुझे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के आने को कहा क्या कभी? नहीं भैया, ऐसा तो कभी नहीं कहा। हेलो सर, आप थोड़ा गलत चले गए हैं। हमारा स्कूल मॉडर्न और सेक्युलर है, तो यहाँ पर ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती। ये सेक्युलर नाम का कीड़ा ही बार बार इस्तेमाल करके आप और आप जैसे लोग हमारे आने वाली पीढ़ी का दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और वास्तव में सेक्युलर का मतलब पता है आपको? आपसे ज्यादा अच्छे से पता है मुझे कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है, धर्म निरपेक्ष। मैडम जी बुरा मत मानिएगा, आपकी सिर्फ अंग्रेजी अच्छी है, बाकी हिंदी और दिमाग तो शून्य है। धर्म निरपेक्ष नहीं होता है, धर्म निरपेक्ष होता है, और उसका मतलब होता है सभी धर्म समभाव है। हेलो मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज। मैडम माइंड नहीं, रिमाइंड तो हम करेंगे आपको। मुझे केवल इतना सा बता दीजिए कि आपके स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले धर्म के बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है? यही कोई गिने चुने 1-2%, पर इससे आपको क्या मतलब है? मतलब तो है मैडम, एक चीज और बता दीजिए कि आपके स्कूल में बहुसंख्यक समाज या फिर सीधा सीधा कहें तो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले कितने बच्चे हैं? यही कोई 80%, पर इन सब बातों का सेंस क्या है? सेंस तो मैडम बहुत कुछ है। जो बच्चों की आबादी 80% यहाँ है जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उन्हें आप सेंटा क्लॉज बना रहे हो, पराए धर्म के रीति रिवाज सिखा रहे हो। और जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके स्कूल में रामनवमी और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, तो आप सेक्युलर होकर हाथ खड़े कर देते हो। नहीं सर, आप थोड़ा बात को गलत ले रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। गलत मैं ले नहीं रहा हूँ, गलत मैडम आप लोगों के इरादे हैं। प्लास्टिक के पेड़ का ज्ञान तो आप इन्हें अच्छे से देते हैं, मगर क्या कभी आपने इन्हें तुलसी पूजन दिवस के बारे में बताया, या ये बताया कि तुलसी की महत्वता क्या है, पीपल की महत्वता क्या है, या बिल्व पत्र की महत्वता क्या है? फीस तो आप हम 80% हिंदुओं से खड़ी करते हो और इन्हें ज्ञान पाश्चात्य सभ्यता का देते हो। अंग्रेजी सिखाइए मैडम, अंग्रेजों के तलवे मत चाटिए। और हाँ आप लोग भी, मैं तो आज मेरी बहन को इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद सोच लीजिएगा, जिस स्कूल में ऐसी मानसिकता है वहां अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसका भविष्य क्या होगा।